हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल का पार्ट टू में आपका स्वागत है। सो फिर आज जितना तक दिखाया थे मैं, फॉन्ट तक मैंने दिखाया था, ठीक है। उसके ऊपर मैं और भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा वन बाय वन। तो चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो फिर इसको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा समझने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ और थोड़ा आगे जा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और ऊपर आई बटन में भी वो शो कर रहा है, आप वहाँ से जाके और डिस्क्रिप्शन में जाके, और नहीं तो इस वीडियो का लास्ट में उसका पार्ट टू का वीडियो, आपको पार्ट वन का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये पार्ट टू हो रहा है तो चलिए शुरू करता हूँ। तो फिर नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो है कलर चेंज कलर। जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख लीजिए, हम लोग चेंज कलर कैसे करते हैं, फॉन्ट का कलर यहाँ पे सब सिलेक्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ को मैं एक्सेल वीवीए में करना चाहूँगा, ओके। एक ही चीज़ को मैं एक्सेल वीवीए में कैसे कोडिंग का पार्ट से होता है वो आप देख लीजिए। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कोड एडिटर पे, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो कोड एडिटर आपको खुल जाएगा। ये सब मॉड्यूल्स है और ये सब सीट का नाम है और इसका प्रॉपर्टीज है, ओके। तो चलिए फॉन्ट तक हो गया, मैंने एक और टैब ऐड कर लिया यहाँ पर कलर नाम के, ठीक है। तो कलर में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर सब कलर सब प्री डिफाइंड है, और कलर आप खुद भी नाम दे सकते, आपका नाम भी दे सकते, कोई चैनल का नाम दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते, ओके। तो चलिए पहले क्या करना पड़ेगा, कौन सा कलर आपको चूज, मतलब कौन सा ग्रिड को आप, मतलब कौन सा सेल को आपको कलर करना है, मतलब A1 से A10 तक मुझे कलर करना है, ठीक है। तो उसको कैसे किया जाता है, फिर से आप सर्च करें, मतलब लिखना पड़ेगा यहाँ पे रेंज रेंज, ओके, A1 से A10, ओके। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज डॉट, क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब फॉन्ट में क्या करना पड़ेगा, मतलब फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का ऊपर क्या करना पड़ेगा, कलर, ओके। तो कलर दे दिए, उसके बाद रिक्वेस्ट टू, क्या कलर करना है। जब भी कुछ कलर करेंगे डायरेक्टली रेड ग्रीन ब्लू ऐसे लिखने का नहीं होगा, थोड़ा एक प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या है। तो फिर लिखना पड़ेगा वीवी ग्रीन, मैं फिलहाल ग्रीन दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, सॉरी वीवी ग्रीन, ओके। उसके बाद हो गया आपका कोड, सिंपली वीवी ग्रीन देंगे आपको यहाँ पे कोड हो गया। मैं और भी लिख लेता हूँ, मान लीजिए इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके, वीवी ग्रीन, उसके दे देता हूँ वीवी रेड, ओके, और इसको दे देते हैं ब्लैक, ओके। अब देखिए स्टेप इनटू करके देख रहे हैं आप, स्टेप इनटू में पहले इधर आया, उसके बाद कलर चेंज होगा, वीवी ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद वीवी रेड हो जाएगा, उसके बाद ब्लैक। इस तरह से आप कर सकते हैं, मैं फिर से समझा देता हूँ, रेंज A1 से A10, मतलब A1 से A10 तक, ओके। उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद कलर, उसके बाद कलर का नेम, ओके, वीवी ग्रीन हो गया। इस तरफ से आप कर सकते हैं। और भी एक चीज़ है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, और एक चेंज कर सकते हैं, और एक तरीका है, जैसे कि एक मैथमेटिक्स का हर तरह से सॉल्व किया जाता है, तो फिर मैं बहुत सारा मैक्सिमम वे मैं दिखा रहा हूँ किस किस तरह से आप लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला फॉर्मूला कोई बड़ा प्रोग्राम लिख ले, उसमें काम नहीं किया, तो फिर क्या किया, और भी कोई प्रोग्राम है वो आप लिख सकते हैं। तो फिर फिलहाल लिख लेते हैं रेंज, ओके, उसके बाद सिंपली A1 से A10, बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फॉन्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे देना पड़ेगा कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स, ओके, इसके बाद वन, खत्म। आप यहाँ से वन क्यों दिया मैं समझा दे रहा हूँ, कलर का एक एक कोड होता है, एक्सेल वीवीए में कलर का अलग अलग कोड होता है,
मैं एक बार दे देता हूँ, यहाँ पे 1 से 50 तक आप दे सकते हो। यहाँ पे 10 दे दिए, वहाँ पे 50 दे दिए। ओके, तब चेक करिए, स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ मैं। पहले ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, उसके बाद कलर इंडेक्स 1 आ गया, उसके बाद ग्रीन हो गया। इस तरफ से आप कर सकते हो, मतलब ये जो कलर का 1 का अलग कलर है, 10 का अलग कलर है, या 50 का थोड़ा लाइट ग्रीन है, ओके, साइन टाइप का है। ओके, इस तरफ से आप कर सकते हैं। कलर चेंजिंग तो हो गया, इतना तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझा देता हूँ। और गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, अगर नहीं भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गया तो भी कमेंट लिख दीजिए, कैसा वीडियो कैसा हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए फर्स्ट बार मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से एंड से भी कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे लिखिए। अगर नहीं है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, मतलब उसमें भी कमेंट कर बताइए, तो फिर मुझे भी समझ में आ गया तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का इंटरेस्टेड हो रहा है। क्योंकि आप लोग अगर नहीं देखेंगे मैं बना रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, आप लोगों को सिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये सब वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेहनत लगता है इसको वीडियो को बनाने के लिए, मगर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेहनत में थोड़ा रंग आ जाएगा। ओके, तो चलिए फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करके सीधा आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है बैकग्राउंड कलर। आप लोग बगैर बैकग्राउंड कलर आप कैसे देते हो, यहाँ पे टेस्ट का ऊपर बैकग्राउंड कलर अगर देने जाके कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो टेस्ट कलर है मतलब फील्ड कलर है उसको आप दे सकते हैं। इस तरह से बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, आप जो भी हो वो आपके हिसाब से आप दे सकते हो। सेम चीज़ को एक्सेल में कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको क्या आज मैं प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक और एक कलर मतलब बैकग्राउंड कलर का नाम पे एक मॉड्यूल ले लिया, उसमें ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वहाँ पे सब बैकग्राउंड कलर मैंने लिख लिया हूँ। ओके, उसके बाद अगर मैं बता दे रहा हूँ, अगर इंसर्ट उसके बाद मॉड्यूल, यहाँ से मैं बार बार क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पहले फिर से रेंज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज, ओके, रेंज, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ग्रिड से कितना तक जाना पड़ेगा आपको, तो पहले A1 से A10 तक, ओके, उसके बाद क्लोज। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक अलग सा न्यू कीवर्ड है, उसका नाम है इंटीरियर, INT लिखिएगा, इंटीरियर आ गया। ओके, उसके बाद इंटीरियर मतलब उसका डिज़ाइन में अंदर जा रहा हूँ, डिज़ाइन का अंदर। उसके बाद डिज़ाइन का अंदर जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, कलर, डिज़ाइन का अंदर कलर दो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कलर का नाम VV Red, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद VV Green को मैं चेंज, VV Green ऐसे कर दिया, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए VV Green मैंने G कैपिटल में नहीं दिया था, देखिए जब भी एंटर मारेंगे तो G कैपिटल में हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेल रीड कर ले रहा हूँ, वो एक कीवर्ड सही है, अगर सही ना हो तो कैपिटल में नहीं होगा। ओके, तो इस तरफ से आप कर सकते हैं, तब चेक करिए, स्टेप इनटू करके मैं बता रहा हूँ। पहले पहले स्टेप इनटू में यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए VV Red हो गया, उसके बाद VV Green हो गया। इस तरफ से आप बैकग्राउंड का कलर भी आप टेक्स्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपका हिसाब से आप बैकग्राउंड कलर कोई भी रख सकते हैं। मैंने एज ए एग्जाम्पल 2 दिया हूँ, आप हिसाब से आप अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उसमें ज़रूर आपको सहायता मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए चलिए, तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेस्ट पेसल। पेस्ट पेसल में डबल क्लिक किए, ठीक है, यहाँ पे एक मॉड्यूल मैंने क्रिएट किया है, इंसर्ट, इंसर्ट, यहाँ से मॉड्यूल, उसके बाद यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, पेस्ट पेसल हो गया। ओके, तो यहाँ पे सब लिखा, और पेस्ट पेसल का आप लोग जानते ही हैं, पेस्ट पेसल एक कीवर्ड है, मतलब है आपका कीवर्ड है यूज़र डिफाइंड और ए प्री डिफाइंड। ओके, तो चलिए पेस्ट पेसल में क्या होता है, उसके मन में एक छोटा सा डेटा है, आप मान लीजिए इधर देख लीजिए डेटा को, पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, बहुत सारा फॉर्मेट है, इसको मैंने इटैलिक भी कर दिया, मैंने यहाँ पे चेंज करके बोल्ड सब कुछ कर दिया, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन वाला डेटा है सतुजीत चैटर्जी, मगर यहाँ पे एक जो डेटा है वो हैप्पी टू हेल्प यू प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर सेम डेटा को इधर से अगर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा? तो फिर मैं जो करने जाऊँगा, जो वो डेटा है, पहले इससे इस डेटा को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसका कॉपी नहीं, इसका फॉर्मेट जो है, इसको सतुजीत चैटर्जी पीछे येलो है, उसके बाद नीचे अंडरलाइन है, बोल्ड है, पूरा चीज़ ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा इधर। अगर इसको मैन्युअली करने जाएंगे तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो एक को, इसको इसको बाद फॉर्मेट प्रिंटर, उसके बाद इधर से डाल दो। देखिए सेम चीज़ इधर आ गया, ओके। अगर अगर उसके बाद टेक्स्ट, देखिए एक जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल में अंदर नहीं आ रहा है, तो फिर जैसे कि एक सेल में इसका अंदर ही आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए देख लीजिए, एक ए जो सेल है इसका एक सेल में है, मगर इसका देखिए पूरा सेल को जा रहा है, मतलब सी डी तक ले लिया, मगर सी डी नहीं लिया, एक ही सेल में है, इसको क्या करना, डबल क्लिक करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो फिर इसी चीज़ को मैं एक्सेल वीवे में करूँगा, तो उसको अंडू कर देता हूँ। देख लीजिए पूरा सेम टू सेम आ गया। तो फिर सेम जो चीज़ मैंने अभी दिखाया वो चीज़ मैं एक्सेल वीवे का द्वारा करके दिखाऊंगा, वो कैसे होता है वो आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत आसान है और बहुत सिंपल कोड है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। तो सेम रेंज का झमेला, रेंज रेंज आपको पहले बताना पड़ेगा कौन सा चीज़ को आप कॉपी करना चाहेंगे। तो फिर A1 से A10 तक मैं कॉपी करूँगा, डॉट कॉपी, मैंने पहले आपको दिखाया था कॉपी कैसे किया जाता है पिछले पिछले वीडियो, अगर ये वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो में कॉपी पेस्ट का देख लीजिए, वहाँ पे है, आप पिछले वीडियो देख के ये वीडियो देखिए तो फिर आपका आसानी होगा। और एक सजेशन दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए कहीं पे, और सेकेंड ऑप्शन है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो कॉपी हो गया, ओके, इसको मैंने हाँ ऐसा कर देता हूँ, हाँ कॉपी कर लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पेस्ट भी तो करना पड़ेगा, कहाँ पर पेस्ट करना, मतलब फॉर्मेट को कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मेट है B1 का, ये वाला मेरा फॉर्मेट है, तो इसी का ऊपर मुझे सेम फॉर्मेट डालना पड़ेगा, तो कैसे होगा तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप फिर से रेंज लिखना पड़ेगा, रेंज उसके बाद कहाँ पे डालना पड़ेगा, B1 से, तो फिर B1 से उसके बाद, हाँ B1 से आपको B10 में डालना पड़ेगा, B10 तक आपको कॉपी पेस्ट होगा, मतलब कॉपी हो गया वहाँ पे फॉर्मेट को पेस्ट होगा, डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल हो गया, आपको जानते ही पेस्ट स्पेशल मैं पिछले क्लास में सिखाया था। उसके बाद सिंपली स्पेस देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बिना स्पेस में काम नहीं होगा, स्पेस, उसके बाद एक्सेल, ओके, एक्सेल में क्या करना है, एक्सेल दे दिया, जैसे वीवी ग्रीन दिया, वीवी एक कीवर्ड है, उसके बाद ग्रीन हो रहा, ठीक है, तो फिर एक्सेल इसका एक वर्ड है, उसको समझाना पड़ेगा, एक्सेल के बाद तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, तुम उसको मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो फिर यहाँ पे तो मैं मारना काटना का नहीं चाहता हूँ, मगर उसको क्या कहता हूँ, फॉर्मेट को प्रिंट हो जाए, मतलब फॉन्ट फॉन्ट ऐसे ही रहे, तो तुझे चरजी रहे, सिर्फ हैप्पी टू हेल्प यू को ऊपर का वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कॉपी हो जाए, ओके। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा पेस्ट फॉर्म फॉर्मेट, पेस्ट पेस्ट फॉर्मेट, पेस्ट फॉर्मेट, उसके बाद एंटर मार दीजिए, हो गया पेस्ट फॉर्मेट। अब देख लीजिए इसको मैंने अगर रन किए, डायरेक्ट रन करते हैं, मैं पहले स्टेप इनटू करके दिखाता हूँ, देखिए कॉपी हुआ, देखिए कॉपी हुआ, देखिए यहाँ पे सर्कल चल रहा है, मतलब कॉपी दिखा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इनटू में जाएंगे तो फिर पेस्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए देख लीजिए इधर तक तो पेस्ट हो गया, मगर पूरा ग्रिड नहीं आया, क्योंकि एक सेल में नहीं है, वो सेल में एक ही है, मगर ये लोग पूरा नहीं है, क्योंकि ये वो बी का अंदर है, ठीक है, सी डी में तो नहीं है ना, तो जितना तो बी का अंदर वो पेस्ट कर दिया, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, कैसे, तो फिर से एक कोड लिखना पड़ेगा आपको, मैंने तो एक्सेल में आपको दिखा दिया था, मैनुअल अगर करना पड़ेगा तो कैसे, तो सेम चीज़
उसको कॉपी करिए, उसमें यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली स्पेस को हटा के फिर से एक स्पेस दीजिएगा पेस्ट पे सेल, उसके बाद एक्सेल दीजिएगा, उसके बाद पेस्ट कॉलम विद, पेस्ट कॉलम विद, ओके पेस्ट कॉलम विद दे दीजिएगा, वो सीधा हो जाएगा। पहले इसको रन करके देख लेते हैं। ओके कॉलम विद तक आ गया, बी का अंदर आ गया, पूरा कॉलम विड्थ तक आ गया। अच्छा इसका पूरा पूरा तक नहीं आया, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा इसको हम चेंज करके सिर्फ इतना तक कर देते हैं, हैप्पी टू हेल्प यू। अब देखते हैं, इसको कॉपी कॉपी किया और इसको फॉर्मेट को मैंने फिर से चेंज कर दिया। ओके इसके बाद इसको पेस्ट करके इधर कर दिया और इसको छोटा कर लेते हैं, मान लीजिए इतना तक है। ओके देखिए सत्य चटर्जी है और इसका बी में पूरा नहीं घुसा, ठीक है एक ही सेंटेंस में रखना पड़ेगा इसलिए शायद नहीं हुआ। ठीक है तो मैंने फर्स्ट फेज को इसको रन किया, अब देख लीजिए, देखिए एक साथ आ गया पूरा। ओके तो इस तरह से फॉर्मूला बुक काम होता है। ओके तो चलिए नेक्स्ट जो है सेम चीज़ को अगर इसी सत्य चटर्जी को अगर इधर लाना पड़ेगा, एकदम एक ही फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोग पेस्ट वैल्यू कर देते उसी हिसाब से होगा। तो इसको कॉपी करिए, उसको पेस्ट करिए, उसके बाद इधर उसको चेंज करके एक्सेल तक पूरा आए, उसके बाद स्पेस दिए, उसके बाद एक्सेल पे पेस्ट वैल्यू। ओके पेस्ट वैल्यू, अब देखिए स्टेप इनटू करके देखता हूँ पूरा, इतना तक तो हो गया। उसके बाद देखिए सत्य चटर्जी पूरा कॉपी हो गया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया पूरा डाल में। ओके पूरा एक सेल से अलग सेल में कॉपी पेस्ट हो गया, हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो सर्कल चल रहा है उस सर्कल को कैसे रिमूव करें, उसको बोले पिछला क्लास में मैंने दिखाया था, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, कट कॉपी मोड कोस टू फॉल्स। उसके बाद देखिए पूरा रन करिए, देखिए वो चला गया। ओके फिर से मैं दिखा रहा हूँ स्टेप इनटू करके, चला गया पूरा। ओके तो कहीं पे कुछ एरर नहीं है, तो इतना तक तो हो गया पेस्ट स्पेशल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग प्रेजेंटेशन में बहुत काम आता है, मार्कशीट वगैरह इस वेब से बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो है ओरिएंटेशन। जैसे कि सिंपली यहाँ पे क्लिक किए, सब्जेक्ट ओरिएंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है जो, फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है ना, इस तरफ से एंगल किया जाता है, उसके बाद ऐसे किया जाता है, उसके बाद वर्टिकली किया जा सकता है, इस तरफ से आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हो। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके इसको पूरा ही मैंने थोड़ा बड़ा कर देते, अब देखिए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको फॉर्मेट प्रिंटर से पूरा हटा देता हूँ। अब देखिए इसको थोड़ा और भी कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं, अब देखिए कैसे होगा। हाँ अभी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, इसका पार्ट को पूरा चाप चेंज कर सकते हैं डिग्री वाइज। ओके तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा रेंज, कौन से कितना तक करना पड़ेगा रेंज, उसके बाद आपका क्या चेंज करना पड़ता है, मतलब रेंज नहीं डायरेक्टली आप रेंज कर सकते हैं, और मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ अभी। पहले यहाँ पे A1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डॉट, आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन लिखिए, उसके बाद इक्वल्स टू मैंने 10 दे दिए। ओके पहले इसको मैंने 10 से कैलकुलेट करके देखते हैं, 10 दे दिए, उसके बाद ऐसे करके पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 20, यहाँ पे कर लीजिए 30,
पे कर लीजिए 40, यहाँ पे कर लीजिए 50, यहाँ पे कर लीजिए 60 और इधर कर लीजिए 70, ऐसे 90 तक कर सकते हैं आप। ओके, तो पहले स्टेप इनटू करके देखता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। पहले यहाँ पे गया, उसके बाद 10 में गया, 10 में इतना तक हो गया, 20 में इतना तक गया, 40 में गया, 50 तक गया, 60 तक गया, 70 तक गया, फिर से 90 तक गया, मैं 70 तक गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 कर दीजिए, शायद हो सकता है ऐसा, मैं चेक नहीं किया। यहाँ पे मान लीजिए अगर 0 कर देता तो ये देखे क्या होता है। तो फिर पहले स्टेप इनटू में जाते हैं, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, 0 0 मतलब पहले पोजीशन में आ गया। ओके, तो इस तरह आप सब कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं, मान लीजिए ऐसे 8 10 कर दीजिए, ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं इधर। हाँ, थोड़ा बहुत टिल हो गया। ओके, A1 से A टिल हो गया, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, आपका हिसाब से, आपका जरूरत हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का पार्ट इतना था, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। और यार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप लोग देख तो रहे मगर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अभी जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब करिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार, सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, आप सब्सक्राइब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, जाके सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर मेरा बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, इसलिए मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार, इतना तो बनता ही है बॉस। चलिए, तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। तो नेक्स्ट है रैप टेक्स, ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही काम में आता है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा जगह कम करने के लिए, एक साथ दिखाने के लिए रैप टेक्स यूज़ करते हैं। रैप टेक्स क्या, एक लाइन पे अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, मगर एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसको नीचे लाइन में कर देते हैं। वो कैसे किया जाता है, ठीक है, रैप टेक्स जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैप्पी टू हेल्प हेल्प यू, प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ओके, तो इतना देर लिख लिया, देखिए एक चैनल, एक B1 में पूरा नहीं, B1 में पूरा आया नहीं, होप यू आर गाइस हैव सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगर नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, थैंक यू। तो चलते हैं टॉपिक में, तो यहाँ पे रैप टेक्स जब भी करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक साथ आ गया, तो इसी रैप टेक्स को मैं एक्सेल वीवे में कैसे करेंगे तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे तो टेक्स्ट में लिख लिया, यहाँ पे सिंपली है रैप टेक्स के मॉड्यूल बना लिए, रैप टेक्स में जाके रैप लिख दिए, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रेंज, कौन सा रैप करना पड़ेगा आपको, मतलब रैप मतलब वो वाला रैप नहीं है, इम्पली एक्सेल का रैप। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इधर B1 में क्लिक किए, उसके बाद ऐसे डाल दिए, उसके बाद ऐसे क्लोज कर दिए, उसके बाद डॉट दिए, रैप टेक्स्ट सीधा रैप टेक्स्ट। मगर रैप टेक्स्ट का एक प्रॉब्लम है, मतलब एक सिंटेक्स है रैप टेक्स्ट, या आपको ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, मतलब टगल बटन है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो पहले मैंने बता दे रहा हूँ इज गोज टू ट्रू, और इधर भी फिर से कॉपी कर दिया, उसके बाद लिख दिया फॉल्स। ओके, सॉरी, फॉल्स, देखिए मैंने फॉल्स के गलत दिए थे ना, तो फिर वो यहाँ पे कैपिटल नहीं किया था। ओके, तो चलते हैं, तो यहाँ पे स्टेप इनटू करते हैं, पहले देखिए एक साथ आ गया, उसके बाद फिर से चला जाएगा। ओके, इस तरफ से आप रैप टेक्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज दे के पूरा भी कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, इतना तक कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे रेंज का डाल दीजिए B1 से B5 तक। ओके, उसके बाद इसको कॉपी करके इधर भी डाल देते हैं, मैंने देख लीजिए हो गया। तो पहले इसको मैंने फॉल्स, पहले स्टेप इनटू करते हैं, देखिए पूरा आ गया, उसके बाद पूरा चला गया, पूरा आ गया, पूरा चला गया, देख सकते हैं हो रहा है, बैकग्राउंड में देख लीजिए हो रहा है। तो इस तरफ से आप रैप टेक्स को यूज़ कर सकते हैं, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में,
बहुत सारा एक्सेल का फॉर्मूला है, मगर आप थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो तक देखिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। एक्सेल एक बार आपको नॉलेज में आ गया ना, तो कोई भी ऑफिशियल प्रॉब्लम को, बड़ा बड़ा डेटा को आप इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं उसको, मतलब अपने हिसाब से आप खेल सकते हैं। एक्सेल एक खेल है, ठीक है। एक्सेल में आप जितना सारा अपना नॉलेज लगाएंगे, तो फिर जितना सारा आप नॉलेज वहाँ पे देंगे, आप एक्सेल में पूरा प्ले कर सकते हैं एक्सेल से। मतलब आपको एक्सेल अच्छा लगे तो आपको लिए बहुत बढ़िया होगा ये वीडियो। प्लीज़ आप अंत तक देख लीजिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मेरा वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब का चैनल के नीचे आप डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो खराब लगे तो प्लीज़ बेशक अनसब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको आप मत देखिए, और लाइक कमेंट कुछ मत करिए। मगर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा, हाँ इसमें थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या आपको प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी फिलहाल प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने ठीक कर दिया उसको, तो इससे छोटा छोटा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं है तो गूगल करिए, उसके बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्सेल का कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे, ओके, अगर मैं जानता हूँ तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो मार्ज, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, तो इधर एक और इंसर्ट करके एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ मार्च नाम के। ओके, हो गया। देखिए यहाँ पे मार्च आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए सर मार्च। ओके, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए इधर इसी टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक्सेल में आया नहीं, मैं चाहता हूँ इसको मार्च कर देते, मार्च एंड सेंटर। ओके, यहाँ से इतना तक मार्जिन सेंटर इस तरह से कर सकते हो। ओके, देख लीजिए यार, ऐसे भी कर सकते हैं, मार्जिन सेंटर देख लीजिए, ठीक है, इस तरफ से आप कर सकते हैं। मैं इतना ही मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ए से ई तक। ओके, तो फिर मैं इसका बगल से रखता हूँ, अब थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए कोडिंग में। मैं लिख रहा हूँ रेंज, रेंज अब यहाँ पे देना पड़ेगा कितना दूर से कितना तक जाना पड़ेगा, तो फिर बी वन से आपको जाएगा बी वन से ई वन तक। ओके, ई वन हुआ, अब इसको दे दिए मार्ज, हो गया। इस तरह से आप दे सकते हैं, कर दिए। अभी इसको कॉपी करिए और इसको जाके पेस्ट करके अनमार्ज कर दीजिए, अनमार्ज हो गया, दोनों तरफ हो गया। अब देखिए क्या होता है, तो स्टेप इनटू करके देखता हूँ। यार छोटा क्यों हो रहा है, छोटे होने में कौन बोला तुमको। स्टेप इनटू इधर तक आ गया, अब देखिए, देखिए मर्ज हो गया, उसके बाद अनमर्ज, मर्ज अनमर्ज, मर्ज अनमर्ज। उसके बाद आप जा सकते हैं, इसको रेंज भी दे सकते हैं, आपके हिसाब से होगा। ओके, तो इस तरफ से आप मर्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। ओके, तो रिमूव फॉर्मेट, तो मैं फिर से एक इंसर्ट बना लेता हूँ इसको, मॉड्यूल रिमूव, रिमूव फॉर्मेट कर देता हूँ, वो अंडरस्कोर के देखें, रिमूव फॉर्मेट्स कर देता हूँ। ओके, तो रिमूव फॉर्मेट में डबल क्लिक किए, सब लिखे, उसके बाद रिमूव, ऐसे रिमूव भी छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए जो सेम जो फॉर्मेट है इसमें जो दिया गया है, वो फॉर्मेट को वो चेंज करके मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ, कैसे होगा तो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको रेंज, बार बार रेंज देना पड़ रहा है,
A1 से A10 तक। अरे यार इसे क्यों आ रहा है, हाँ हो गया। अभी इसको उसके बाद देना पड़ेगा क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट्स हो गया। अब देखिए क्लियर फॉर्मेट में जब भी क्लिक करेंगे क्लियर हो गया सिंपली। ओके मान लीजिए इधर अगर हाइपेन लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया A10 तक, उसके बाद एक अंडरलाइन भी दे दिया। अंडरलाइन तो हो गया। अब अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं, मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं www.google.com लिख लिए, इसके बाद कॉपी किया और इधर तक आ गया। यार को छोटा ही कर लेते हैं, कॉपी किया A10 तक आ गया। ओके अब देखिए सिंपली इसको अगर रन करते हैं ना, देखिए गूगल का फॉर्मेट चला गया। पहले क्या था, पहले इसको गूगल था, ओके पहले गूगल में अंडरलाइन हो रहा था, इसमें क्लिक करेंगे तो गूगल साइट में चला जाता रहा था। अभी क्या करते हैं इसको, अरे यार अभी क्या किया, उसको फॉर्मेट में क्लियर फॉर्मेट कर दिया। ओके उसके बाद ऐसे अगर क्लियर कर गए पूरा, अगर क्लियर ही कर सकते उसको डॉट क्लियर, इसमें क्या होगा पूरा डेटा को आपको चला जाएगा। देख लीजिए पूरा डेटा चला गया, सो सिंपल एज दैट। एक्सेल में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से थोड़ा नॉलेज लगाइए और एक्सेल में खेलते रहिए। जैसे आईपीएल होते हैं, एक्सेल में भी आईपीएल होता है, आप बनाइए आईपीएल एक्सेल का, तो आपका स्किल नॉलेज बढ़ाइए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो है डिलीट कैसे करें, एक्सेल से कैसे आप कुछ भी डेटा को डिलीट कैसे करें। डिलीट करने से मतलब है, मान लीजिए इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है इस तरफ से सत्यजीत पूरा। ओके इस तरफ से अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ पे तो आप इस तरफ से सीधा डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो वाला डिलीट तो आप इजीली डिलीट कीबोर्ड से कर सकते हैं कीबोर्ड से, मगर मैं चाहता हूँ एक्सेल से कैसे किया जाता है। ठीक है एक्सेल से डिलीट जो फॉर्मूला है वो बहुत काम में आता है, मतलब कुछ भी करेंगे तो उसे डिलीट आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा डेटा एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें भी आपको डिलीट अपडेट मॉडिफिकेशन ये सब चीज़ आपको ज़रूरत होता है। तो डिलीट कैसे किया जाता है उसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए मैं इसको अंडू करके फिर से ला लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ध्यान रखिए यहाँ पे ए से A5 तक है, A1 से A5 तक। ओके तो चलिए तो मैं एक्सेल का एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ वो डिलीट वाला, यहाँ पे इंसर्ट उसके बाद मॉड्यूल, उसके बाद मैंने डिलीट एक कीवर्ड मतलब एक लिख लिए मॉड्यूल तैयार कर लिए। ओके तो चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं, डिलीट का फॉर्मूला बहुत आसान है। ओके तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आप अगर एक डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट लिखिए रेंज, सिंपल बात है। A1 को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर लिख दीजिए A1 डॉट डिलीट, देखिए इसको रन करेंगे देखिए डिलीट हो जाएगा। ओके A1 डिलीट हो जाएगा, ए ऊपर में शिफ्ट हो गया, देखिए इतना तक था ए ऊपर में शिफ्ट हो गया। ओके तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद और आप चेक कर सकते हैं, और एक प्रोसीजर है वो आप चेक कर लीजिए, मान लीजिए एक साथ मल्टीपल आप सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से होता है ना, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद डिलीट बटन दबा दिया डिलीट हो गया वो वाला चीज़। तो देखिए A2 से A3 तक मैं डिलीट करना चाहूँगा तो फिर रेंज, ओके रेंज आपको रेंज देना पड़ेगा A2 से A3 तक, A3 तक आप दे दिए उसके बाद डिलीट। ओके अब देखिए यहाँ पे रन करेंगे इसको, इसको मैं
काट देता हूँ। अब देखिए डिलीट हो गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से वापस इसको ला देता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए डिलीट तक कितना तक तो हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर डिलीट कर सकते हैं, रेंज वाइज डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पूरा डेटा को ही डिलीट करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, पूरा डेटा को, अगर इंटायर रो को और इंटायर कॉलम को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो फिर आप एक और एक फॉर्मूला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देख लीजिए इधर एक फॉर्मूला है, रेंज, सिंपली बात है, जो रेंज आपको देना ही पड़ेगा। ओके, रेंज में आपको देना पड़ेगा A1 से A4 तक, क्योंकि मेरा इतना ही तक डेटा है। ओके, आप क्या करना पड़ेगा, उसके बाद पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, पूरा डेटा डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा एक डिलीट कर रहा हूँ, एक ही डिलीट कर रहा हूँ, A1। ओके, A1 से डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ A1 आपको डिलीट करना पड़ेगा, एंटायर रो, मतलब पूरा A1 का पूरा डेटा आप डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ChatGPT लिख लेते हैं, देखने में आपको आसानी होगा, इसको साइड कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए A1 का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो डॉट एंटायर 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 रो, ओके डॉट डिलीट, ये नया कीबोर्ड कीवर्ड है, एक्सेल का प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ओके, उसके बाद इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको पेस्ट करके A2 कर देता हूँ, और इसको हम कर देता हूँ एंटायर कॉलम। ओके, एंटायर कॉलम डॉट डिलीट हो गया। अब देखिए स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, एंटायर कॉलम डिलीट हो गया, उसके बाद पूरा डिलीट हो गया, एंटायर A2 का पूरा फील्ड डिलीट हो गया। ठीक है, आपको और भी आसानी होगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए ChatGPT, उसके बाद राज रॉय, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ A4 तक। ओके, अब देखिए नाम वाइज आपको देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए पहले क्या स्टेप इनटू में क्या क्या जा रहा हूँ, स्टेप इनटू किया, सत्य चटर्जी पहले डिलीट हो जाए, क्योंकि A1 में था, वो A1 में वो डिलीट हो गया। अभी A2 का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, देखिए A2 का मतलब ए वाला, A2 से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो फिर स्टेप इनटू, सिर्फ रॉय बचा रहे हैं, रॉय की क्योंकि B1 में था, उसको वो A1 में शिफ्ट हो गया। समझ आ गया, इस तरह से डिलीट फॉर्मूला आपको काम में लिया जाता है। तो चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। अभी क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं रो इंसर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसको अंडरस्कोर दे देता हूँ तो फिर अच्छा होता है। अब देखिए सेम, इसमें एक सब क्रिएट कर देता हूँ रो नाम करके। ओके, अभी क्या करने जाऊँगा, तो फिर आप देख लीजिए इधर एक डेटा बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जैसे कि नेम, एज और लोकेशन। ओके, नेम सत्यजीत राज बाबू नीता। ओके, एज 28, 22, 24, 27। ओके, कोलकाता, इसको पूरा ही कोलकाता दे देता हूँ, अच्छा होता। ओके, अब इसको मैं डेटा को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए अभी क्या हो गया, सॉरी एक मिनट है, मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो बजता ही रहेगा। हाँ,
अब देखिए, अभी मैं क्या करना चाहूंगा, एक रो इंसर्ट करेंगे। ओके, तो फिर इसको मैं पूरा एक फिल कलर दे देते हैं। ओके, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह तरीके से, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर भी कर देता हूँ, अच्छा होगा तो फिर होल बॉर्डर। ओके, इसको अभी आप देख लीजिए, हाँ अच्छा लग रहा देखने को। इसको सेंटर भी कर देता हूँ और भी अच्छा लगेगा। हो गया, अब देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो रो इंसर्ट कैसे किया जाता है, रो इंसर्ट तो इजीली हम लोग कीबोर्ड से कर सकते हैं, मगर कीबोर्ड से नहीं करेंगे हम लोग। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम लिख ले रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डायनेमिक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई बटन से, कोई इवेंट जनरेशन से जनरेट करेंगे तो रो बटन हो जाए, क्लिक हो जाएगा। इस तरह से अगर करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर देख लीजिए, सिंपली आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रेंज का फॉर्मूला, मतलब कहाँ से आप कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी है, सी है, सी का पहले, सी का पहले एक आपको इंसर्ट होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिए कैसे होता है। तो रेंज, रेंज आपको देना पड़ेगा, कौन सा रेंज में पहले आपको, मतलब कौन सा रेंज का पहले आपको देना पड़ेगा, मतलब कौन सा रेंज का पहले आपको इंसर्ट होगा। ओके, तो फिर सी इज टू सी कोलोन सी ऐसे दे दिया। ओके, डॉट इंसर्ट हो गया इंसर्ट। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको मैं रन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक बार एक ही साथ बना लेंगे, उसके बाद स्टेप इनटू करके दिखाऊंगा। ओके, तो फिर अच्छा लगेगा, तो देखने भी अच्छा, समझने में भी अच्छा आएगा। ओके, तो मान लीजिए इधर एक रो इंसर्ट हो गया सी इज टू सी में। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर में कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, उसको भी कर लेते हैं, देख लीजिए अच्छा होगा। तो फिर वन इज टू वन मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा वन इसमें है। ओके, इसमें मेरा है तो इसका ऊपर एक जनरेट हो जाए। ओके, इसका ऊपर इस तरह से एक जनरेट होना चाहिए, समझ में आ गया। एक कीबोर्ड से एक ने किया, वो एक्सेल से करेंगे, अब देखिए मतलब वीबीए से करेंगे। सिंपली इसको देना पड़ेगा रेंज वन, सॉरी इसको वन कर देता हूँ, इक्वल्स टू वन, क्या हो रहा है, इंसर्ट हो गया। अब देखिए स्टेप इनटू करके देखते हैं इसको, स्टेप इनटू किया, देखिए इधर एक इंसर्ट हो गया। ओके, हो गया ना, लोकेशन से पहले मतलब सी से पहले एक कॉलम इंसर्ट हो गया। उसके बाद आपको फिर से करता हूँ, अब देखिए ऊपर में भी एक ऐड हो गया। इस तरफ से आप साइड से और ऊपर से आप कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का फॉर्मूला बहुत आसान है और बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ सब लोग थोड़ा ट्राई करिएगा, मगर ज़रूर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर से मैं आगे दिखाता हूँ, आगे जो इसको स्टॉप कर लेता हूँ। और एक चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी का ये तो ऊपर में एक फील्ड ऐड हो गया और नीचे साइड से एक फील्ड ऐड हो गया, ठीक है, सेल ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ मिडिल में, अब देखिए कैसे होता है। फिर से आपको देना पड़ेगा रेंज, ठीक है, रेंज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, हो गया। अब देखिए रेंज आपको देना पड़ेगा, कहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, तो किसका पहले ऐड करना चाहते हैं। तो फिर मैं ये जो B3 है उससे पहले एक ऐड करना चाहता हूँ। ओके, तो फिर आपको देना पड़ेगा B3। ओके, मतलब B हो गया इधर और 3 हो गया इधर 22 में। ओके, हो गया। अभी देना पड़ेगा क्या, एंटायर कॉलम। ओके, कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एंटायर कॉलम। ओके, डॉट इंसर्ट, सिंपल फॉर्मूला एकदम। अब इसको रन बाद में करते हैं, उसके बाद और एक ऐड कर देता हूँ। अभी इसको मैं B5 B3 में ही कर रहा हूँ, एंटायर रो कर देता हूँ,
एंटायर रो कर देता हूँ, डॉट इंसर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, पूरा पूरी स्टेप इनटू, एक ऐड हो गया साइड में, लेफ्ट साइड में एक ऊपर ऐड हो गया। उसके बाद अब देखिए इंसर्ट में आ गया ना, एक कॉलम भी ऐड हो गया, अब इसको रो ऐड हो जाएगा। अब देखिए हो गया रो ऐड। किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, आपका जितना सुविधा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी थ्री कर दिए थे, बी फोर होगा इसलिए मैं 22 से ऊपर नहीं हुआ। आप इसको बी फोर भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसको पूरा रन कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्व जरूर कर दूंगा। ओके, आप सब्सक्राइब ब्रीफ कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी देखते रहे, बहुत सारा फॉर्मूला है। ओके, इसका पार्ट 3-4 आने वाला है, तो अभी पार्ट 2 हो रहा है। ओके, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, देखते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो एक इंसर्ट कर लेते, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिए, इसके बाद आपको नाम दे दिए सिलेक्ट एंड एक्टिवेट। मैं समझा देता हूँ। ओके, मैं पहले लिख लेता हूँ सिलेक्ट और एक्टिवेट। ओके, अब देखिए इसमें डबल क्लिक करके मैं ओपन कर देता हूँ। ओके, उससे पहले मैं एक फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेट टूल से इसको पूरा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए मैं बार बार ये माउस से इधर इधर उधर जा रहा है ना, तो ये वाला सिलेक्ट मतलब आपको अगर ऐसे एक एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए एक सुप्रजीत, और इसको कॉपी कर ली, इसको पूरा मैं पेस्ट कर ली। ओके, यहाँ पे जो बार बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, इधर सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। ओके, आप यहाँ पे यहाँ से भी लिख सकते हैं A10 लिखेंगे तो ये वाला एक्टिवेट हो गया। पहले सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना B5, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो गया। ये मतलब एक्टिवेट है, ये सेल मेरा एक्टिवेट है, और ये जो रेंज हो रहा है ये सिलेक्ट हुआ है। इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट और एक्टिवेट वो तो आप माउस से कर रहे हैं, वो आप एक्सेल वीवीए से कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करेंगे, कुछ भी मान लीजिए कहीं पे आपको ट्रिगर देना पड़ेगा, बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन में मान लीजिए वहाँ पे एक ट्रिगर यहाँ पे क्लिक होगा तभी जाके पूरा फॉर्म डिलीट हो जाएगा। तो फिर ये वाला जो क्लिक हो रहा है ना, वो क्लिक और एक्टिवेट एक साथ काम हो रहा है। तो इसलिए कौन सा सेल को कब क्लिक करवाना है, कब एक्टिवेट कराना है, तो फिर आपको ऊपर एक सेल का कोड ऊपर का हिसाब से होगा। जैसे कि आप अभी जो ट्रिगर कर रहे हैं ना, अभी ट्रिगर कर रहे हैं माउस से, वो ट्रिगर होगा उस बटन से ट्रिगर होगा। ओके, तो अब कैसे हो जाता होता है वो आप चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब और सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट के ऊपर इस तरह से क्या हुआ है, ओह सिलेक्ट कीवर्ड है तो वो नहीं लेगा, तो फिर एक्टिवेट देके देख देता हूँ। हाँ, एक्टिवेट काम किया, देखिए एक्टिवेट काम में आया, तो फिर सिलेक्ट कीवर्ड है इसलिए वो नहीं लिया। ओके, सिलेक्ट कीवर्ड है वो कैसे, मैं बोला था ना प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइंड होता है जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मतलब जो यूज़र सिलेक्ट करते हैं वो ये एक्टिवेट जो यूज़र डिफाइंड है। और सिलेक्ट क्यों नहीं ले रहा था, सिलेक्ट एक प्री डिफाइंड कोड है, एक्सेल के जब बना रहे थे एक्सेल में कोडिंग जब बना रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, तो फिर एक्सेल के बनाने के लिए सिलेक्ट कीवर्ड उसमें दिया गया है। मान लीजिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स, जो शॉर्टकट ट्रिक्स में हम कंट्रोल अगर डी प्रेस विन डी प्रेस करेंगे तो फिर हम चलो चल जाएंगे डेस्कटॉप में, तो फिर विन डी में और कोई आप लोग प्रोग्राम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि विन डी ऑटोमेटिकली दिया गया है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं आपका सिस्टम पे
कौन नाम के फोल्डर सेव नहीं होगा, क्योंकि कौन नाम एक कॉन्फिगर है। आप ट्राई कर सकते हैं, अभी जाके वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, कौन CON नाम पे कोई फोल्डर बनाइए, कहीं पे भी वो फोल्डर बनाइए, वो सेव नहीं होगा। ओके, कौन नाम पे सेव नहीं होगा, इसीलिए वो प्री डिफाइंड एक कोड दिया गया है, उसलिए वो नहीं हो रहा। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज, कौन सा रेंज को आपको सिलेक्ट करवाना है, मैं यहाँ पे B2 को सिलेक्ट करवा रहा हूँ। देखिए B2 डॉट सिलेक्ट, ये जो सिलेक्ट हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सेव नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्ट एक कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। इसको रन करिए, देखिए B2 सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया ना, B2 हाईलाइटेड हो गया। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और भी सिलेक्ट का जरिया है, मैं दिखा रहा हूँ 1 by 1। अब चेक कर लीजिए, सर आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। रेंज, उसके बाद आपको क्या करना है, B2 कर देता हूँ, B2 तो कर दिया था, B3 कर देता हूँ, C3 कर देता हूँ, इधर आप चेक कर सकते हैं C3। ओके, अभी इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेंज सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रेंज, रेंज में आपको A2 से A5 तक मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, डॉट सिलेक्ट, अभी इतना हो गया। अभी इसको स्टेप इनटू करके देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले तो B2 सिलेक्ट हो गया, उसके बाद सी कितना हो गया, C3 सिलेक्ट हो गया, उसके बाद देखिए रेंज में सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये वाला रेंज सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, अभी इसको एक्टिवेट किया कैसे किया जाता है, क्या नाम है इसका, सिलेक्ट और एक्टिवेट में ज़्यादा फंक्शन नहीं है, मगर वो सेम ही काम करता है, मगर जैसे टिगर करेंगे ना तब एक्टिवेट में काम होता है, तो भी देख लीजिए। रेंज A3, A3 में डायरेक्टली वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब कर्सर जो है वो A3 में एक्टिवेट। ओके, अब देख लीजिए, इधर स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ। अब देखिए, मतलब एक रेंज से कुछ ट्रिगर को, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मान लीजिए एक साथ आपका जो दिवाली का जो रॉकेट है, एक साथ आप लोग 10 रॉकेट खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा आप एल्गोरिदम उसमें लगाया है कि एक बटन हम प्रेस करेंगे तो तीसरा जो रॉकेट है, एक से दस तक है, तो पहले से 3 नंबर जो वो है, जो है वो ही पहले जाएगा वो बटन से। उसके बाद और एक बटन करेंगे तो 5 नंबर पर जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी रेंज से अगर किसी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से काम होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा रेंज था A से A5 तक, ओके, A से A5 तक रेंज था, उसमें A3 एक्टिवेट कर दो, देखो A3 एक्टिवेट हो गया, मतलब A हाईलाइटेड है, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ गया। और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको A10 कर देता हूँ, ऐसे से एक बार जा रहा हूँ। अभी इस तरीके से आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, A10 से A5 तक रेंज से भी सिलेक्ट करते हैं, रेंज A2 से आप उसको A5 तक कर दीजिए, A5 तक कर दीजिए, आप देखिए उसके बाद एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, अब स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा एक्सेल में, चला गया A2 से A10 तक चला गया। अभी इसको सिलेक्ट कर लिया A2 से A5, देखिए समझ में आया, ये देखिए चला गया, पहले A2 गया उसके बाद A5 तक चला गया। तो इस तरीके से वो होता है, आप ट्रिगर कर सकते हैं, वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, डाउट है तो मेरा एक्सेल में डाल दीजिए,
कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर अच्छा है तो भी डाल दीजिए, बुरा है तो भी डाल दीजिए। तो मगर कमेंट बॉक्स में कमेंट थोड़ा जरूर कीजिएगा, तो फिर मुझे भी इस प्रॉब्लम में, मतलब आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपको सब में सेटिस्फाई है तो फिर लिख दीजिए अच्छा सेटिस्फाई है, वह कुछ भी आपके हिसाब से लिख दीजिए, तो फिर मुझे भी समझ में आ जाएगा हाँ आप लोग देख रहे हैं आप। ठीक है, मेरा मोटिव यूट्यूब से व्यू कमाना नहीं है, आप लोगों का सिखाना है। तो फिर मेरा यूट्यूब से व्यू आया कि नहीं आया मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अब चैनल में चेक कर सकते हैं 10 12 15 व्यूज आ सकता है, मगर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं चाहता हूँ आप लोगों को मेरे सीखे, मेरे चैनल से आपको हेल्प हो, इसलिए मैं हैप्पी टू हेल्प ये नाम दिया। ओके तो चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से एक इंसर्ट कर लेता हूँ, मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड एंड अनहाइड। ओके, हाइड एंड अनहाइड, हाइड एंड अनहाइड में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता होने जा रहा है, आप देख लीजिए। हाइड में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ यूज़र को, मतलब एक बड़ा डेटा है उससे कुछ कुछ फील्ड आप नहीं दिखाना चाह रहे, मान लीजिए किसी को डेटा दिखा रहे उसका सैलरी आप नहीं दिखाना चाह रहे, बाकी सब कुछ देख पाए मगर सैलरी नहीं देख पाए, तो फिर इसके आप VBA का मदद से आप कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। एक चीज़ है हाइड, आप मैन्युअली हाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप VBA से भी हाइड कर सकते हैं। ओके तो चलिए तो स्टार्ट करता हूँ, पहले सब कर देता हूँ, उसके बाद लिख देते हैं हाइड। अब देखिए मैं क्या करना चाहूँगा, इसमें एक रेंज सिलेक्ट कर देता हूँ, उस रेंज से पहले हाइड होगा उसके बाद अनहाइड होगा, दोनों ही होगा। ओके तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च पे लिख रहा हूँ रेंज, रेंज कहाँ से, ए ए से ए तक, मतलब ए इज टू ए, ए पूरा कॉलम को, ठीक है, ए पूरा को, ए से जितना तक मेरा डेटा है, मतलब पूरा ए को। पहले क्या होगा आपको होगा, मतलब क्या करना, हाइड करना चाहते हैं, मैं कॉलम हाइड करना चाहता हूँ, बिकॉज डॉट क्या करना पड़ेगा आपको, हिडन। HIDDEN हिडन, ओके इक्वल्स टू ट्रू हो गया। अब इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, एक ट्रू किया तो एक फॉल्स भी करना पड़ेगा क्योंकि स्टेप इन टू में दिखाना पड़ेगा, इक्वल्स टू फॉल्स हो गया। अभी चेक कर लीजिए, अभी क्या होगा, पहले ट्रू होगा उसके बाद फॉल्स होगा, अभी स्टेप इन टू में देख लीजिए। देखिए ऑफसेट और रो में सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आ गया हाइट। स्टेप इन टू में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है यार, सॉरी इसमें एज देना पड़ेगा, कॉलम्स होना होगा, ठीक है, तभी जाके काम आएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए, इसमें आपको हाइट होगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं एक फील कलर दे देता हूँ ऐसे, इसको मैं एक फील कलर दे देता हूँ इस तरफ से, इसको मैं एक फील कलर दे देता हूँ इसको, और मैं इसको दे देता हूँ, तो फिर आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैं क्या करना चाहूँगा, पहले ए टू ए डिलीट कर, मतलब हाइड करना चाहूँगा, तो फिर स्टेप इन टू में चलते हैं। देखिए पहले वाला डिलीट हो गया ना, पहले वाला डिलीट हो गया, उसके बाद फिर से आ जाएगा, आ गया। देखिए पहले डिलीट हो गया, पहले आ गया। मैं और से भी किसको आसान कर देता हूँ, क्या करे, लेट से चैटर्जी। ओके चैटर्जी सत्यजीत, अभी नाम थोड़ा उल्टा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं इसको ऐसे ही रख देते। अब देखिए इसको स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, स्टेप इनटू करके पहले हिडन होगा चैटर्जी, चैटर्जी हिडन हो गया, फिर से आ गया चैटर्जी। तो इस तरीके से हाइड और अनहाइड, हाइड और अनहाइड आप खेल सकते हैं। ओके और एक रेंज है, और एक रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, वो भी देख लीजिए। रेंज, रेंज में क्या करना पड़ेगा आपको, आप क्या करना, 20
मतलब एक बड़ा सारा रेंज देना पड़ेगा। मतलब पहले ए टू ए दे रहा था, अभी दो तीन कॉलम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ए टू बी दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ए इक्वल्स टू मतलब कोलोन और बी दे रहा हूँ, ओके। डॉट आपको देना पड़ेगा कॉलम्स, अभी देखिए कॉलम दिया था, अभी देना पड़ेगा कॉलम्स, डॉट हिडन, ओके। हिडन इक्वल्स टू ट्रू, अभी इसको कॉपी कर लिया, इधर पेस्ट कर लिया, सॉरी, इधर से पेस्ट करके फॉल्स कर दिया, हो गया। अब देखिए, पहले स्टेप इंटू करके जा रहा हूँ मैं, पहले स्ट्रेटजी सबसे सब कुछ है इधर, अभी मैं स्टेप इंटू करके जा रहा हूँ, पहले स्ट्रेटजी हाइड हो गया, उसके बाद फिर से स्ट्रेटजी आएगा, उसके बाद ए बी दोनों हाइड हो गया, सभी चैलेंज जी दोनों हाइड हो गया, उसके बाद फिर से आ गया मैजिक। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल में कुछ भी कर सकते हैं, एक्सेल में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिख जा सकते हैं। मतलब मैं क्या छोटा 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 करके बना रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा आप जब समझेंगे ना, तभी जाके आप बड़ा कोडिंग कर सकते हैं। बड़ा कोडिंग करने से पहले छोटा छोटा देखिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कोडिंग में हर टाइम का कोडिंग्स लगता है, वहाँ पे हर तरीके का फॉर्मूला लगता है, हर तरीके का एरे लूप बहुत कुछ लगता है। मैं आगे जब सिखाऊंगा एरे लूप, उसके बाद बड़ा प्रोग्राम सिखाऊंगा, बड़ा प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा आपको, मतलब क्या कैसे करके आप ऑफिशियल डेटा बना सकते हैं, ऑफिशियल, उसके बाद वी लुकअप, एच लुकअप, सब कुछ एक्सेल वीबीए से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगे, शायद दूसरों को अच्छा लग सकता है, तो इसलिए मेरे वीडियो को प्लीज़ आप सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अच्छा होगा तो फिर वहीं से भी कुछ कुछ लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो को, अगर अच्छे लगे, अगर आप सकते हैं उस चैनल में जाके मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से बहुत सारा वीडियोस लाऊंगा, और एक इसका पार्ट 3 भी आएगा। और प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं बता रहे तो मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।